क्वेश्चन देखिए बगल में ये दिया है 48 नंबर क्वेश्चन। PQR एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण R समकोण है। कोण R समकोण मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका R हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे मैं P ले लूं और यहां पे मैं Q ले लेता हूं, ठीक है, PQR, R समकोण है, R 90 डिग्री का है। आगे फिर क्वेश्चन में आया कर्ण PQ का मध्य बिंदु M से होकर QR के समांतर खींची गई रेखा, QR ये रहा, इसके समांतर खींची गई रेखा PR को N पर प्रतिच्छेद करती है, PR को N पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहां से जो खींची जा रही है M बिंदु से होकर जो जा रही है यहां पर N पर प्रतिच्छेद करती है, PR को N पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ये इसके समांतर दिया है। तो दिखाइए कि PN जो होगा NR के बराबर होगा, कहां गया PN, PN और यह NR आपस में बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। फिर उसके बाद MN जो है, MN यह लंब है PR पर, यह भी दिखाना है, और यहां यह भी दिखाना है कि RM किधर गया, RM और बराबर में होगा MP बराबर 1/2 PQ। चलिए इसको देखा जाएगा, है ना, पहले इसको साबित करते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है, इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। त्रिभुज PQR में एंगल R बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और क्या दिया है कि M PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहा है, और यह N जो है इस पर, यह MN जो है ना, MN यह समांतर दिया है QR के, कह रहा ना कि कर्ण PQ के मध्य बिंदु M से होकर QR के समांतर रेखा खींची जा रही है MN, चलिए जो RN जो है यहाँ पे PR पे प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है पहला दिया है कि PN बराबर में है NR, दूसरा साबित करना है कि MN जो है ना, MN PR पर लंब है, यह MN जो है PR पर लंब है, और तीसरा जो दिखाना है वह RM, बाद में इसको मिलाएंगे, मैं RM बाद में मिलाया जाएगा, RM बराबर में MP बराबर में 1/2 PQ, ठीक है। चलिए अब मैं इसका प्रमाण देखता हूं, यहां पे आपके पास दिया है कि M जो है ना, M PQ का मध्य बिंदु है, M जो है PQ का मध्य बिंदु है, और तथा MN समांतर है QR के, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसलिए N जो होगा N PR का मध्य बिंदु होगा। हम लोग प्रमेय पढ़े हैं ना जी, मध्य बिंदु होगा किससे, तो माध्यमान जो प्रमेय था उसके प्रतिलोम से, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के प्रतिलोम से, ठीक है, समझ रहे ना बात को, दो भुजाओं को, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक खींची जाने वाली रेखा जो किसी एक भुजा के समांतर हो तो वह तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर संधिभाजित करती है, यानी कि ये N जो होगा इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी यहां से हमारा पहला सिद्ध हो जाएगा कि PN जो होगा ना, PN बराबर हो जाएगा NR के PN जो होगा NR के बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये तो बराबर हो गया। अब इसको यहां लंब दिखाना है कि यह MN जो है ना इस पर लंब है, अच्छा देखो यह इसके समांतर है तो जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां भी बनेगा, होगा ना जी, यहां लिख सकते हैं ना, तो यहां लिख देते हैं कि एंगल MNP बराबर में एंगल QRP बराबर में 90, संगत कोण के युग्म है ना, तो आपस में बराबर हो गए,
क्योंकि ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा होगी, ये संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया यानी ये भी 90 हो गया, तो 90 होने का तात्पर्य है कि इसलिए यहाँ कह सकते हैं, दूसरे नंबर के लिए बात हो गई, MN जो है ना MN लंब है इस पे PR पर, MN जो है लंब है PR पर। अच्छा तीसरा देखिए, तीसरा में दिखाना है कि यह RM, तो RM को पहले मैं मिला देता हूं, RM बराबर में MP और बराबर में 1/2 PQ। तो यहाँ ये तो पता है कि ये MR जो होगा, MP जो होगा ना, MP आधा होगा PQ के, क्यों? क्योंकि M जो है PQ का मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु है। लेकिन हमें यहाँ पे किसको दिखाना है, इसमें हमें पहले दिखाना होगा कि यह आपका RM जो है ना बराबर है MP के, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके लिए लेते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, MNR तथा त्रिभुज PMN में, या फिर इसका नाम थोड़ा सा सही से लिखो, MNR लिखे हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह से नाम लिखो, MNR लिखे हो तो यहाँ पे भी MNP कर देते हैं, MNP में, तो संगत भाग आपको दिखने चाहिए, समझे ना। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे NR जो होगा बराबर हो जाएगा PN के, हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं यह इसके बराबर है, और एंगल MNR बराबर में एंगल MNP, प्रत्येक 90, अच्छा दोनों 90-90 हो जाएगा। और तीसरा चीज, हम लोग MN उभयनिष्ठ होते हैं, MN बराबर में MN उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज MNR सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज MNP के, कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग सीपीसीटी से लिख सकते हैं ना, सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि RM जो होगा ना बराबर हो जाएगा MP के सीपीसीटी से, तो यह इसके बराबर हो गया और यह जो है इस पूरे का आधा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं RM बराबर में MP बराबर, MP किसके बराबर है, 1/2 PQ, यही ना मैं साबित करके दिखाना था, हमने तीनों साबित कर दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला